केनी राजस्थान में किशोर तंवर, भवानी मंडी राजस्थान में आज गुजर आंदोलन को लेकर एक रैली निकाली जा रही है, जिसका आपको देखा आलम दिखाएंगे। आप देखते रहिए बीपीए न्यूज राजस्थान, देख रहे हैं बीपीए न्यूज राजस्थान। भवानी मंडी राजस्थान में भी गुजर आंदोलन के लिए जो है आज जो रैली निकाली जा रही है और ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को। राज्यपाल महोदय को एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रसिद्ध करेंगे। आप सबकी इच्छा से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सुना दूं। सेवा में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, भवानी मंडी जिला झालावाड़, विषय गुजर समाज एवं समाज एमबीसी वर्ग गुजर रेवाड़ी बंजारा रायका गुरेदार की मांगों को लेकर ज्ञापन। माननीय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा गुजर समाज के 5% एमबीसी आरक्षण को लेकर 1,00,000 भर्तियों में लाभ न मिलने के एमबीसी वर्ग के साथ सरकार नकारात्मक रवैया अपना रही है, जिसमें एमबीसी वर्ग में भारी आक्रोश है। यह एक सरकार का छलावा साबित हो रहा है। राज्य सरकार बार बार एमबीसी वर्गों को झूठा आश्वासन देकर गुजर समाज के साथ धोखा कर रही है, जिसमें मजबूर होकर गुजर समाज आंदोलनरत है। गुजर समाज एमबीसी वर्ग हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन करता आ रहा है। यदि सरकार द्वारा जल्दी गुजर समाज की मांग नहीं मानी गई, तो आने वाले दिनों में गुजर समाज उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। अतः माननीय महोदय से निवेदन है, एमबीसी वर्ग की सभी मांगे पूरी की जाए। समाज गुजर समाज ब्लॉक भवानी मंडी गुजर समाज के अध्यक्ष मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें मैं रायका रेवाड़ी समाज से नेतृत्व करने के लिए यहाँ पधार रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी रेवाड़ी समाज की तरफ से मैं तन मन धन से, चाहे अध्यक्ष जी हमारे को कहीं पे भी बुलाएंगे, वहाँ हम आने को रात दिन तैयार रहेंगे। और झालावाड़ जिले में किसी भी जगह धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मैं तैयार हूँ। जिंदाबाद।
ज्ञापन दिया गया है, क्या है आप लोगों की मांग? पिछले 3 दिनों में हम पूरे झालावाड़ में गुर्जर समाज के लोगों को जन जागृति के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि आज पूरा प्रदेश आरक्षण की आग में झुलस रहा है। गुर्जर समाज सड़कों से लेकर पटरियों तक चक्का जाम करके बैठा हुआ है। इसी के तहत हम झालावाड़ से गुर्जर समाज की मांग को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा रहे हैं कि आरक्षण की जो मांग है इसको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाए, नहीं तो पूरा झालावाड़ का गुर्जर समाज एक होकर उग्र आंदोलन करेगा। इसकी संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जैसा कि 3 दिन का आपने समय दिया था, 3रा दिन पूरा हो चुका, इसके आगे क्या रणनीति रहेगी गुर्जर समाज की? हम प्रत्येक उपखंड कार्यालय पे जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसके लिए हमें 1-2 दिन का और समय चाहिए। सभी लोगों को जाकर जन जागृति के माध्यम से हम जागृत कर रहे हैं, उसके बाद सब एक राय होकर हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आज गुर्जर आंदोलन पूरे प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है, उसी को लेकर आज गुर्जर समुदाय ने भवानी मंडी में एक विशाल रैली निकाली, इस दौरान पुलिस प्रशासन के किस तरह के पुख्ता इंतजाम आते हैं? वर्तमान में जो ज्वलित मुद्दा है गुर्जर आरक्षण आंदोलन, पूरे राजस्थान में जगह जगह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र झालावाड़ ज़िले में भी इस तरीके के रैली निकाल के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ के झालावाड़ ज़िले के गुर्जर आंदोलन आरक्षण के अध्यक्ष सूरतराम गुर्जर और उनकी जो टीम थी, उनसे आउटपुट ये मिला था कि यहाँ पर कुछ चक्का जाम करने की या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की सूचना थी, आउटपुट था। उसके आधार पर हमने सर्किल लेवल के सभी थानाधिकारीगण और इसके अलावा गंगधार थाने के सब इंस्पेक्टर और पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा फोर्स मंगा के और पूरे कस्बे में लगा दी थी, और हम लोग साथ में रह के हमने इस रैली के दौरान किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियाँ नहीं होने दी, और इनके प्रतिनिधियों से हमने आपस में बातचीत कर भी समझाइश की थी किसी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधियाँ नहीं हो, सबको साथ लेकर चलना है। इस अगर इतनी सारी भीड़ एक साथ आई तो इस पर क्या कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई तो नहीं करेगा? इस संबंध में वीडियोग्राफी और ये सारी चीज़ें देख के जैसा निर्देश मिलेगा उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अन्य जगहों पर भी ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे के लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है, उसी क्रम में आज भवानी मंडी में गुर्जर समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी गई, जिसमें तकरीबन 200 से 250 लोग इकट्ठे हुए और कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से हमने पुलिस जाप्ता मौजूद थी और किसी प्रकार की ऐसी कोई कानून व्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, और उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो प्रॉपर चैनल के थ्रू राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे।